नाम ज़ुहैब अहमद है। मैंने बीए डिग्री और एलएलएम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। अभी मेरा पीएचडी एनरोलमेंट होना है। मैं जैसा कि एक जुडिशियल एस्पिरेंट था, मैं हमेशा से जुडिशरी के परस्पेक्टिव में प्रिपरेशन करता था अपनी, बट हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने में मैं सर के टच में आया और मैंने नेट के लिए कोचिंग की थी यहाँ पे, और सर का प्रॉपर गाइडेंस रहा है जिसके अकॉर्डिंग मेरे को अभी नेट क्लियर हो गया है। JRF भी मेरा कुछ ही नंबर से हुआ था। हालांकि जब मैं शुरू में आया था तो मैं इसको साइड में लेके चलता था कि मैं नेट क्लियर कर लूँगा, नेट मेरे लिए ठीक रहेगा, एक लाइन ओपन हो जाएगी, बट अब मेरे को लग रहा है कि जुडिशरी से काफ़ी फार बेटर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है। अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं अदर फील्ड से लेके कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एज अ लाइफ क्या होती है, पे स्केल क्या होती है और सब कुछ। सर ने कॉन्स्टेंटली मेरी मदद की, हेल्प की, बराबर जो है मेरे को बताया क्या है। पेपर 1 में सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने अक्सर कॉल करके भी सर से कोई भी क्वेरी रही तो मैंने पूछा कि सर यहाँ पे ये है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्या नहीं रहेगा। सर ने मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के परस्पेक्टिव में, जो कि पेपर 1 के एक लास्ट टॉपिक होता है, उसमें भी मेरे को काफ़ी हेल्प किया सर ने। सर की प्रॉपर गाइडेंस थी। मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर के कॉन्टैक्ट में आए, अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करें, नेट क्लियर करें, JRF क्लियर करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने। इससे अच्छी वैकेंसी, इससे अच्छा फ्यूचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग और जगह भी कंपेयर करके देख सकते हैं और अदर फील्ड से लेके कि एज अ लाइफ असिस्टेंट प्रोफेसर क्या चीज़ होती है और क्या होता है। बाकी सर का बहुत बहुत थैंक यू। अमित सर, आपने मेरे को सुपरवाइज किया, सब कुछ किया, थैंक यू।